हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस इन टूडेज़ वीडियो वी विल लर्न हाउ टू पंक्चुएट अ सेंटेंस आपको बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है वेरियस स्टैंडर्ड्स में आपको जस्ट एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसमें किसी भी तरीके का पंक्चुएशन नहीं यूज़ होता है एंड फिर उसमें आपको पंक्चुएशन यूज करके वो सेंटेंस को रीराइट करना होता है सो so, पंक्चुएशन में हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है और कहाँ कहाँ पर हमें पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पंक्चुएशन में आपको देखना होता है कि सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है कि नहीं एंड ऑलवेज रिमेंबर सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर जो सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा इवन रिपोर्टेड क्लॉज डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहता है वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जो है वो रिपोर्टेड क्लॉज है तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो ई e है फर्स्ट वो भी कैपिटल है तो इसी तरीके का आपको भी लिखना होता है फर्स्ट एग्जाम्पल देखो एन एप्पल अ डे किब्स डॉक्टर अवे तो एन भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुआ है सेकेंडली जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं जैसे कि आई गॉड ये सब कुछ कैपिटल लेटर से ही बिगिन होते हैं एग्जाम्पल देखो यहाँ पर वी अगेन कैपिटल ऑल लाइकड आर्यन आर्यन का ए भी कैपिटल बिकॉज ही न्यू प्लेंटी ऑफ जोक्स इवन आई न्यू मैनी जोक्स बट डिड नॉट एज मनी एज आर्यन डिड अगेन आर्यन का ये कैपिटल है क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है ऐसे किसी हम प्लेस का भी नाम लिखते हैं प्रॉपर तो हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं किसी सिटी का नाम लिखना होता है तभी सेकेंड एग्जाम्पल में देखो आई अगेन कैपिटल बिगिन द डे बाय टर्निंग माय थॉट्स टू गॉड अगेन प्रॉपर नाउन सो जी इज कैपिटल एंड थर्ड रूल थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोनाउन दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ वर्ड गॉड बिगिन विथ कैपिटल लेटर सो डियर गॉड आर यू द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड यू ओके तो इनका भी जो प्रनाउन में भी हम यू जो यूज करेंगे दैट विल भी ऑल्सो कैपिटल द फर्स्ट लेटर विल भी कैपिटल फिर आ जाइए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फुल स्टॉप पे तो एज यू नो वेन वी कंप्लीट असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस इट विल एंड विथ फुल स्टॉप अगर वो इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से खत्म होगा बट मोस्टली सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं असर्टिव और इम्परेटिव होते हैं एंड दे शुड ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप एग्जाम्पल देखो आई वॉन्ट ऑल द बॉयज टू स्टैंड अप फुल स्टॉप बॉय स्टैंड अपॉप एंड जब भी हम किसी तरीके के एब्रीवेशन का यूज़ करते हैं तो वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप टू इंडिकेट द एब्रिविशन जैसे अगर हम लिखते हैं बी कॉम तो बी कॉम इसका फुल फॉर्म है बैचलर्स इन कॉमर्स बट हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो फुल स्टॉप का यूज़ करते ही हैं वैसे अगर आपको स्टेटमेंट में कोई एब्रिवियशन दिया जैसे कुछ ऐसा और आपको स्मॉल लेटर में ही मिलता है मोस्टली कुछ ऐसा तो अगेन वेन यू री राइट तो आप लिखेंगे मिस्टर एम आर डॉट यानी कि फुल स्टॉप विच विल इंडिकेट दैट इट इज़ अब्रिविएशन नेक्स्ट है कॉमा पंक्चुएशन मार्क्स का सो so, कॉमा जो होता है जब भी कोई फ्रेस ख़त्म हो जाता है कोई वर्ड्स को हमें सीक्वेंस में कंटिन्यूशन में सीरीज में दिखाना होता है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं सी द एग्जाम्पल वी ट्रैवल टू कवार बेलगाम एंड गोवा सो यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया है द कॉमा इज़ यूज टू मार्क ऑफ वर्ड्स और फ्रेजिज दैट आर इंसर्टेड इंटू देंटेंस और द वर्ड ऑफ एड्रेस दैट इंसर्ट्स इंटू देंटेंस यानी कि किसी सेंटेंस में जब हम कुछ कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स को कंबाइन करते हैं एक साथ लिखते हैं तो वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं एग्जाम्पल देखो आई विल टेल यू द सोल्यूशन लेटर ऑफकोर्स सो ऑफकोर्स जो है दैट इज अ इंसर्शन इंसर्ट किया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो हम वहां पर कॉमा का यूज कर सकते हैं थर्ड रूल देखते हैं द कॉमा इज यूज टू सेपरेट द रिपोर्टिंग क्लॉज इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच तो ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा करते हैं कि जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसको और रिपोर्टेड जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं यानी कि वहाँ से हम क्लॉज को या फ्रेज को ब्रेक करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क सो वेन एवर वी आस्क whenever we ask आस्क आई एक्ट दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं हम किसी से भी सवाल करते हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और हमारा सेंटेंस होगा तो हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है एट द लास्ट एंड इवन इफ देर इज अ क्वेश्चन टैग फॉर एग्जाम्पल वाई तो देखो ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है वाई इज द क्लास रूम एम टी क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपसे सवाल पूछा जा रहा है यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क अगेन क्वेश्चन मार्क दैट इंडिकेट्स इट इज अ क्वेश्चन टू बीन आज टू सम यू कैन लीव इफ यू वॉन्ट कांट वी इफ वी वॉन्ट टू कांट वी क्वेश्चन टैग है सो क्वेश्चन मार्क आएगा ही उसके बाद पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स जब हम अपने सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो ऐसे वर्ड्स के बाद में कभी भी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए जो इंडिकेट करता है कि वो जो वर्ड है वो हमारा सडन एक्सप्रेशन सडन फीलिंग है फॉर एग्जाम्पल हुर रहे वी वॉन द मैच सो यहाँ पर जो वर्ड हुर रहे हैं उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है बट हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ सडन एक्सप्रेशन हमने खुश होकर उत्साहित होकर वो वर्ड को बोला है वॉट अ ब्यूटीफुल पिक्चर अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि ये एक सडन फीलिंग है हम किसी बहुत ही अच्छी जगह पर जाते हैं और वो जगह पर जाकर हम बोल पड़ते हैं कि ये बहुत ही अच्छी जगह है हाउ वंडरफुल अगेन एक्सक्लेमेटरी नेक्स्ट अपोजी सो अपोस्ट इज़ यूज टू इंडिकेट द लेटर और लेटर्स हैव बिन ड्रॉपड फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम आई एम को शॉर्ट करते हैं तो हम ए को रिमूव करके वहाँ पर एक्सक्लमेटरी सॉरी अपोस्ट ऑफी लगा देते हैं सो अपोस्ट ऑफी इसलिए यूज़ होता है कि हम इंडिकेट करते हैं कि हमने वहाँ से एक वर्ड को ड्रॉप किया है एंड स्टूडेंट्स आप जानकर अमेज़ हो जाओगे आपने अक्सर अपने टीचर्स को बोल आ, स्कूल में आपने ज़रूर बोला होगा मैम बट क्या आप जानते हैं ये जो मैम वर्ड है ओरिजिनली ये वर्ड होता है मैडम बट हम क्या करते हैं लिखते हुए एंड ऐसे बहुत सारे बुक्स में हम आपने देखा भी होगा कि हम लेटर डी को वहाँ से निकाल देते हैं एंड मैम को लिखने का ओरिजिनल तरीका कुछ ये है जहाँ पर हम डी को रिमूव कर देते हैं सो so, apostrophe इसलिए यूज़ होता है कि हम वहाँ से वर्ड को निकाल देते हैं सिंगल apostrophe, एंड ऑल्सो apostrophe हम यूज़ करते हैं पोजेसिव नाउन दिखाने के लिए यानी कि apostrophe एस रेवतीज प्लांट यानी कि apostrophe एस इंडिकेट करा है कि वो प्लांट रेवती का है द लेडीज ट्रिक apostrophe एस यानी कि वो लेडीज़ का ट्रिक है यानी कि उसका पोजीशन वो उस नाउन के पास दे रहा है नेक्स्ट पंक्चुएशन है हमारा हाइफ़न तो हाइफ़न जो होता है वो किसी भी फ्रेज़ को और क्लॉज को सेपरेट करने के लिए होता है इंडिकेटर इंडिकेशन होता है कि वो रिलेटेड नहीं है एग्जाम्पल देखो यू मे टेक पार्ट इन द मैच नॉट दैट आई एवर हैड एनी ऑब्जेक्शन हाईफन बट यू हैव टू आस्क द कैप्टन फर्स्ट तो यहाँ पर ये ब्रेक देने के लिए ब्रेक करने के लिए यूज किया गया है हाइफ़न इज ऑल्सो यूज इन सम कंपाउंड नाउंस एंड जब भी हम कंपाउंड वर्ड्स लिखते हैं तो हम हाइफन का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से उसके बाद आते हैं इन्वर्टेड कॉमास तो इन्वर्टेड कॉमास का सबसे कॉमनली यूज यही होता है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करने के लिए डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब जो भी चो हम लिखेंगे वो डॉक्टर के एज इट इज वर्ड्स होंगे डॉक्टर ने जो पूरी तरीके से बोला था ओरिजिनल वर्ड्स वही सारे वर्ड्स वहां पर होंगे ईट एंड एप्पल एवरी डे द बॉयज सेट कॉमा डबल डबलिटेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप सॉरी नो फुल स्टॉप विल बी देयर बिकॉज वी हैव यूज्ड क्वेश्चन मार्क सो ये डबल इनवर्टेड कॉमास होते हैं सो नाउ लेट्स क्वेश्चंस And हम देखेंगे इसमें कैसे पंक्चुएशन चेंज किया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स आपको बेसिकली वन मार्क्स का क्वेश्चन होता है सो so, देखो आई हैव नो होम डिक आंसर्ड सो अगेन आई जो है वो कॉमन नाउन के लिए यूज किया गया है सॉरी प्रॉपर नाउन यूज किया है तो आई हो जाएगा कैपिटल आई हैव सेम रहेगा नो no होम अब ये किसी ने डायरेक्ट स्पीच बोला है तो इसे हम डबल यूनिट कॉमर्स में डाल देंगे कॉमा यानी कि हम वहाँ से क्लॉज को ब्रेक कर रहे हैं डिक अगेन डिक जो है वो प्रॉपर नाउन है किसी पर्सन का नाम है तो उसका डी कैपिटल हो जाएगा आंसर फुल स्टॉप सो ये पंक्चुएशन होता है स्टूडेंट्स में जस्ट आपको स्लाइड ऑन करके क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फिफ्थ टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सो so, कुछ ऐसे ही करके आप इजीली स्कोर कर सकते हो एंड मोस्टली जितने भी सेंटेंसेस आपको आते हैं वो सब आपके टैक्सट बुक में से आते हैं तो टेक्सट बुक को रीड करना बहुत ही मस्ट है आई होप यू हैव लर्न द पंक्चुएशन एंड द पंक्चुएशन मार्क्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके और भी वीडियोस का सजेशन देते रहें थैंक्स फॉर स्टे स्टेट विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस